के आज्ञा पर तो सभी लोग तालियों का साथ देंगे और साथ में गाएंगे क्योंकि सभी का स्वागत बुला हुआ है। सभी के सामने मत रोना,
क्योंकि सभी के सामने लोगे ना तो पागल कैसा होगा, और होना ही है अगर तो प्रभु के चरणों में रोगे, अगर उनके चरणों में एक बार बार मास हो जाएगा तो ये जीवन धन्य हो जाएगा। और इतना 14 वर्ष का वनवास जब भगवान को नाम करके आए ना तो अयोध्या वासी इतने गदगद हुए कि अश्रुपात होने लगा, और अश्रुपात कैसा हुआ, भाव का अश्रु भाव दो प्रकार के होते हैं, एक भाव जब व्यक्ति दुख में रोता है तो उसके आंसू गर्म होते हैं, और जब वही आंसू भाव की भूमल भर होकर रोता है ना तो उसके आंसू इतने ठंडे और इतने शीतल होते हैं कि मानो भगवान की ओर क्रोध में सो रहा हो और भगवान उसके हाथ को मेरे जाने मेरे जाने मेरे जाने। तो भक्ति क्या कहता है, वो इतनी रोशन हो गई ना पी जा गया मात प्रभु के श्री चरणों में एक बार रो करके कि वो कहता है Thank you.
रोता भी है, कहता भी है और मनाता भी है कि हे प्रभु, हे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रघुनाथ, आपने एक पिता के कहने पर राजमार्ग को त्याग दिया और वनवासियों को आपने भूल दिया। और हे प्रभु, हे प्रभु श्रीराम, आप आए हैं तो आगे के अब बात में मत जाना, अब मत जाना, क्योंकि आप अगर एक बार चले गए तो ये प्राण नहीं रहेंगे। उस बार एक प्राण गए थे श्री राजा दशरथ के, पर अब की बार ना ये अयोध्या वाला जीव से तुम आकर फिर नहीं जाना। Hey, Lord, I'm here. Lead me, O God.